हेलो दोस्तों, फिर से आ गया हूँ एक और कंपैरिजन लेकर। देखो मार्केट में ना लगभग सेम प्राइस रेंज पे काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल है, लेकिन सेम प्राइस रेंज में कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है और कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर में कितने फीचर्स मिल रहे हैं, सब कुछ जानना हमारे के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम कंपैरिजन करके ही पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिनमें से पहला रिसेंटली लॉन्च हुआ बजाज चेतक 2901 और इसको कंपैरिजन करेंगे विदा की तरफ से आने वाला V1 प्लस के साथ, जिन दोनों के प्राइस में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम पता करेंगे लगभग सेम प्राइस रेंज पे कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले शाबू ई व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए दोनों कंपनी को भिड़ा के देखते हैं कौन सा जीत कर निकलती है। सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस रेंज देख लेते हैं। बजाज चेतक 2901 की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 95,998 रुपीज से, और इसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स के लिए भी एक्स्ट्रा 3,000 देना होता है। कुल मिला के इसकी एक शोरूम प्राइस गिरती है 99,000 तक, जिसके अंदर मिलने वाले फीचर्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। और इसके अलावा विदा V1 प्लस का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,27,000 से, तो दोनों के प्राइस में बस 3-4 हजार का फर्क ही देखने को मिल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि सिटी वाइज स्टेट वाइज ये दोनों का प्राइस नीचे ऊपर होते रहता है। तो इस प्राइस रेंज में ये दोनों में से कौन सी बेस्ट है वो हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन देख लेते हैं। डिजाइन में तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लगभग प्रीमियम स्कूटर के डिजाइन ही इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी दिया गया है। हाँ, वो अलग बात है बजाज चेतक में डिजाइन तो सेम दिया गया है, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है। देखो प्राइस कम करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइस कटिंग तो करना ही होगा, तो जहां तक हो सके वहां तक प्राइस कटिंग की गई है बजाज चेतक में, लेकिन डिजाइन के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। तो दोनों के डायमेंशन देखा जाए तो बजाज चेतक 2901 का व्हील बेस 1330 mm का मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का मिलता है। वहीं पे विदा V1 प्लस का 1301 mm का व्हील बेस मिलता है और 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और साथ ही साथ ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में 12 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और यहाँ पे प्राइस कटिंग नहीं की गई है दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और इसके अलावा दोनों स्कूटर में मिलने वाला बूट स्पेस की बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में हमें 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन विदा V1 प्लस में 26 लीटर का स्टोरेज बूट स्पेस मिलता है और चार्जर के लिए सेपरेट 10 लीटर का स्पेस दिया गया है। बूट स्पेस के मामले में विदा के अंदर सबसे ज्यादा बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है। तो ये तो रहे बेसिक फीचर्स, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो बजाज चेतक 2901 में 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और राइडिंग के लिए इको मोड मिलता है, लेकिन टेक पैक अगर खरीदते हैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमें मिल जाता है। वहीं पे विदा V1 प्लस में 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और राइडिंग के लिए इको राइड स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे मिल जाते हैं, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देना नहीं होता है। और इसके अलावा ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में PEMS मोटर दी जा रही है। अगर पावर की बात की जाए तो चेतक 2901 में लगभग 4.2 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है और 20 Nm का टॉर्क मिल रहा है। वहीं पे विदा V1 प्लस में 6 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है और 3.9 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर मिल रही है और 25 Nm का टॉर्क मिल रहा है। और इस मोटर पावर के साथ ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो 22.8% की ग्रेडेबिलिटी बजाज चेतक में मिल रही है, वहीं पे विदा V1 प्लस में हमें 20 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिल रही है। और हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रेंज की बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में 123 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है और विदा V1 प्लस में 143 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है और रियल वर्ल्ड रेंज भी बताया गया है 100 किलोमीटर का। और इस स्पीड को कंट्रोल करने वाले ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में फ्रंट और रेयर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और अगर विदा V1 प्लस में देखा जाए तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक दिया गया है और रेयर साइड में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, इसमें भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। और मोटर को फ्यूल देने का काम करने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर लिथियम आयन बैटरी मिलती है, लेकिन बजाज चेतक 2901 में 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। इसको चार्ज करने के लिए आउटबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको लगा के 80% 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं और फुल 6 घंटे के अंदर चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे विदा V1 प्लस में 1.72 किलोवाट आवर की 2 स्वैपिंग बुल बैटरी दी जा रही है, टोटल मिला के 3.44 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है। और इसको चार्ज करने के लिए आउटबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको लगा के हम 5 आवर्स 15 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जा रहा है,
तो फास्ट चार्जिंग से 1 मिनट में 1.2 किलोमीटर का रेंज पा सकते हैं। और इस परफॉर्मेंस के साथ इन स्कूटर पे कंपनी से मिलने वाला वारंटी की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में 3 इयर्स या 50,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है। वहीं पे विदा V1 प्लस में 2 वारंटी प्रोवाइड की जा रही है, एक व्हीकल के ऊपर 5 इयर्स या 50,000 किलोमीटर और बैटरी पे 3 इयर्स या 30,000 किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है। ये तो रहे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले मेन परफॉर्मेंस। इसके अलावा इन दोनों के अंदर मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स अगर देख लेते हैं तो बजाज चेतक 2901 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि नॉन टचेबल है और कलर डिस्प्ले है और साथ ही साथ ही LCD हेडलैम्प्स मिलते हैं और IP67 रेटेड बैटरी दी जा रही है। और वहीं पे विदा V1 प्लस में 7 इंच की TFT टच स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जा रहे हैं और टेल लैम्प्स वगैरह LED के ही होने वाले हैं और IP68 रेटेड मोटर दी जा रही है और IP67 रेटेड बैटरी दी जा रही है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 5 कलर्स अवेलेबल है और इनके अलावा भी इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर और एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन बजाज चेतक 2901 में टेक पैक को खरीदना होता है जिसके लिए 3,000 पे करना होता है और इस टेक पैक के अंदर हमें रिवर्स मोड और स्पोर्ट्स मोड और साथ ही साथ लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है। वहीं पे विदा V1 प्लस में ये सभी तो बेसिक फीचर्स के अंदर ही मिल जाते हैं। इनके अलावा फॉलो मी होम लाइट्स और कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक सीट, क्रूज कंट्रोल, 2-वे थ्रॉटल, रिवर्स मोड, रीजनरेटिव असिस्टेंस, इनकमिंग कॉल अलर्ट्स जैसे फीचर्स इस स्कूटर के अंदर ही मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐप कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक में तो लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी ही मिलती है तो जिनमें से जियो फेंसिंग, कॉल मैसेज और नेविगेशन असिस्ट और लो बैटरी अलर्ट मिलते हैं पैसा देने के बाद, लेकिन विदा V1 प्लस में ब्लूटूथ 4G वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन, एंटी थेफ्ट अलार्म, ट्रैक माय बाइक, जियो फेंसिंग, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स और SOS अलर्ट जैसे काफी सारे फीचर्स विदा V1 प्लस में मिल जाते हैं। तो ये थे ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिटेल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं इस कंपैरिजन के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस डिफरेंस बहुत ही कम है, लेकिन फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। विदा के अंदर काफी अच्छा मोटर परफॉर्मेंस और रेंज देखने को मिल रहा है और बैटरी भी कन्वीनियंसली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर पे लेके जाके चार्ज करना चाहते हैं तो इजीली इसको रिमूव करके घर पे लेके जाके सेम चार्जर से ही चार्ज कर सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि विदा के अंदर हमें फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है बस 3,000-4,000 का प्राइस डिफरेंस के साथ में ही। और वहीं पे बजाज चेतक को लेकर काफी सारा बवाल मचा हुआ है बिल्ड क्वालिटी को लेकर, मेटल से बनी हुई बॉडी को लेकर। बॉडी और बिल्ड क्वालिटी के अलावा मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस में बहुत ही कम परफॉर्मेंस बजाज चेतक 2901 में देखने को मिल रहा है। इससे पहले वीडियो में भी हम बजाज चेतक के साथ तो 2 और कंपैरिजन करे हैं, एक ओला S1 X प्लस के साथ और दूसरा TVS iQube के साथ। इन दोनों के अंदर भी मोटर परफॉर्मेंस के हिसाब से बजाज चेतक के अंदर कम परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, तो वो वाले वीडियो जरूर देख लेना, आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह के किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटरों का कंपैरिजन चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।